तो हेलो नमस्ते, कहाँ चल, कैसे छा तुम। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, इसका नाम है नॉर्मल बातचीत। तो दोस्तों, आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है और हम हर दिन कुछ ना कुछ तकनीक ला ही रहे हैं। ऐसे में अगर बात पढ़ाई की हो दोस्तों, तो आप जो यह वीडियो देख रहे हैं सभी इस बात से परिचित ही होंगे कि अगर अच्छी पढ़ाई की बात करें तो या तो बहुत मेहनत से मिलती है या फिर बहुत ही पैसा खर्च करके, और कहीं कहीं पर तो दोनों ही। अगर कोई पढ़ाई करने के लिए बाहर गया हो, यानी कि विदेश गया हो या पढ़कर आ रहा हो, तो उसकी मूल्यता समाज में अलग ही होती है। और आज के दौर में एक नई किस्म की पढ़ाई चर्चा में है जिसे ऑनलाइन स्टडी भी कहते हैं दोस्तों। इन लॉकडाउन के दिनों में सभी कॉलेज, सभी स्कूल्स, सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ने अपने एजुकेशन मोड को ऑनलाइन कर दिया है ताकि बच्चे घर बैठकर पढ़ सकें और उनका पढ़ाई का नुकसान ना हो। दोस्तों, हम आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखेंगे, आप खुद ही देखिएगा और अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि आपको कौन सा विकल्प बेहतर लगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ऑफलाइन एजुकेशन से। दोस्तों, ऑफलाइन एजुकेशन वो है जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, जिसमें कि बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, किस्म किस्म की फैसिलिटीज जैसे कि क्लासरूम, फर्नीचर, कई अन्य किस्म की सुविधाएं एक स्टूडेंट को दी जाती हैं, पर जिसके लिए स्टूडेंट को काफ़ी पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। दोस्तों, ऑफलाइन एजुकेशन में लेक्चर टाइमिंग्स फेवरेबल नहीं होती हैं। एक फिक्स टाइम टेबल होता है जो कि स्टूडेंट को फॉलो करना ही पड़ता है, जिसमें कि हम ये भी कह सकते हैं कि फिजिकली काफ़ी हेक्टिक वर्क रहता है। और इस क्लासरूम प्रोग्राम या फिर ऑफलाइन एजुकेशन में स्टूडेंट पढ़ाई के अलावा कोई अदर पार्ट टाइम जॉब नहीं कर पाता। बहुत ही ज़्यादा महंगे हॉस्टल्स होते हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव एकेडमिक फीस होती है दोस्तों, और स्टेशनरी का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें ऑनलाइन एजुकेशन की, जिसमें ना तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, ना ही कोई महंगी महंगी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। फैकल्टीज़ आपको बहुत ही इकोनॉमिक बजट में मिल जाती हैं। स्टूडेंट्स आप 60 हों या 600, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आप क्लासरूम लेक्चर को दोबारा रिकॉर्ड करके भी सुन सकते हैं। फिजिकली कोई हेक्टिक वक्त आपको नहीं झेलना पड़ता। लेक्चर टाइमिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई लेक्चर मिस कर भी देते हैं तो भी आप उसको डाउनलोड करके बाद में देख सकते हैं, जिससे आपका कोर्स कभी नहीं छूटता है। और दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन में आप साथ ही साथ कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। इसमें आपको दोस्तों दिन भर बैठ के पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने पढ़ाई के टाइम को अपनी जॉब के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन में एकेडमिक फीस बहुत ही कम होती है, और अगर हम बात करें हॉस्टल की तो उसका खर्चा बिल्कुल शून्य होता है, क्योंकि हम अपने घर से पढ़ते हैं तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दोस्तों, स्टेशनरी का खर्चा अगर हम कंपेयर करें ऑफलाइन स्टडी से तो काफ़ी कम रहता है। दोस्तों, हमारे हिसाब से ऑनलाइन स्टडी ही हमारा फ्यूचर है, क्या आप हमसे सहमत हैं? अगर दोस्तों आपका भी यही मानना है तो कमेंट करके अपना जवाब ज़रूर लिखें। अगर आप पर कोई और सुझाव है तो आप वो भी लिख सकते हैं। दोस्तों, एक खास इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है, जो कोई भी इन दिनों बिना बुक्स के परेशान हो रहा है और अपनी पढ़ाई मिस कर रहा है, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ पे लिंक क्लिक करके आपको जैसी बुक चाहिए आप वैसी बुक पढ़ सकते हैं। वो बुक आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी हो सकती है, आपके सब्जेक्ट की भी हो सकती है, और अगर आप कोई नॉवल पढ़ते हैं तो वो भी आपको लिंक में जाकर मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। अगर ऐसा है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और अगर आपको ठीक लगता है तो शेयर ज़रूर करिएगा। नॉर्मल बातचीत के साथ आप जुड़े रहिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।